वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएसटी विद मी, आप सबका स्वागत है। और अभी के अभी हम चर्चा करने वाले एक वैकेंसी आ रखी मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़ा लंबा चौड़ा नाम, जो कि जबलपुर में पड़ता है और जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो वैकेंसी आ रखी है थोड़ा लीगल, राज्य विधिक का मतलब होता है लीगल सर्विस जो होती है, तो न्याय सबके लिए, उसमें आपकी वैकेंसी आ रखी है ग्रुप डी वालों की। ग्रुप डी किसे कहते हैं? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जैसे कि इसमें जो वैकेंसी वो पीयून के लिए है और तामिलकर्ता मतलब जो आज्ञा दे ये काम करने, तो दो पदों पर टोटल भर्ती हुई। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर्म कैसे भरना है आपको, ठीक है, फॉर्म आपको हाउ टू फिल योर फॉर्म, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ए डिटेल वीडियो, ठीक है, और फीस कितनी लगेगी, इसके एग्जाम प्रिपरेशन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, टोटली डैम थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर सिंगल वीडियो। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। मध्य प्रदेश के राज्य विधिक सेवा आयोग में इसमें वैकेंसी 74 पद हैं, किसके लिए? तामिलकर्ताओं के लिए, ठीक है, और 57 पद। भृत्य का मतलब होता है चपरासी, सीधी भाषा में कहें प्यून के लिए, और ये भी क्या होता है, प्यून तरह की, आप समझिए, ठीक है। तो इसमें वैकेंसी है, तामील करता ये होता है कोई आज्ञा दे तो काम कर दे, जैसे पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, दुनियादारी, तो उसके लिए वैकेंसी, ठीक। फॉर्म भरने की आपकी अंतिम तिथि रहेगी 7 तारीख, ठीक है, अंतिम 7 फरवरी तक अपना फॉर्म ऑनलाइन भर के सबमिट कर देना, एक क्लिक से सबमिट हो जाए। आपकी जो पेमेंट रहेगी वो 15,500 से शुरुआत होकर 49,000 तक आपकी पेमेंट जाएगी, ठीक, आपकी शुरुआती पेमेंट 15,500 रहेगी, साथ में जो गवर्नमेंट के भत्ते वगैरह होते हैं वो आपकी दिए जाएंगे। अब देख लो बच्चों, ये जो है ना, ये परमानेंट नौकरी है, कोई टेम्परेरी या संविदा भर्ती नहीं है, ठीक है, और अगर फॉर्म भरने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो अंतिम तिथि आपकी 9 फरवरी रहेगी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप फॉर्म भरने में गलत ना करिएगा, नाम अपना, नाम पिताजी का नाम, सब कुछ सीधा सीधा फॉर्म है, ठीक है, आगे थोड़ा देखेंगे। और इसमें जो रिटर्न एग्जाम है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं, नो रिटर्न एग्जाम, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक स्क्रीनिंग टेस्ट या जिसे साक्षात्कार को, हिंदी में कुछ लोग इसे इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं, सॉरी अंग्रेजी में, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या होगा कि मोस्टली आपके डॉक्यूमेंट, कक्षा 8 पास मांगा गया है, कक्षा 8 तक के इस तरह के आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपके निवास प्रमाण पत्र आपके हो गए, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएं, और थोड़ा बहुत पूछ लें तो पूछ लें, वरना इसमें कोई ऐसी नहीं है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, 7 फरवरी तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, ठीक है, तो ध्यान से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएं, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे देखेंगे हम कि आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। देखो 100 रुपये इसकी फॉर्म फीस है सभी वर्ग के आवेदकों के लिए, MPONLINE को दे पोर्टल में 100 रुपये दे होगा, मतलब कि चाहे आप SC हो, चाहे आप ST हो, चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो, चाहे आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे आप जनरल हो, चाहे वो OBC, सबको कितने रुपए देने, 100 रुपए देना। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरोगे, www.mponline.government.in पर जाकर एप्लीकेशन भर सकते हो। भारत राज्य का कोई भी नागरिक इसमें एप्लीकेशन भर सकता है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, अगर आप MP के बाहर के हो, मध्य प्रदेश के अगर आप बाहर के हो तो आपको रिजर्व कैटेगरी कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको एज ए जनरल फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है, आपके लिए उम्र सीमा वगैरह में कहीं कोई छूट नहीं मिलने वाली। अब देखो आगे, ये तो हो गई भारत MP के बाहर जो बच्चे हैं तो वो लोग कैसे भरेंगे, इसी वेबसाइट पर जाकर कंप्यूटर के माध्यम से भर सकते हैं, लेकिन जो MP वाले बच्चे हैं वो क्या होता है कि कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित MPONLINE के कियोस्क, इन्होंने जो MP की गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश सरकार है, तो इन्होंने कियोस्क करके स्थापित कर रखे हैं, कंप्यूटर केंद्र हैं ये कियोस्क करके, तो इसमें जाके भी आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, वहाँ पर बैठे रहते हैं लोग, उनसे भरवा सकते हो, ठीक है। और एप्लीकेशन कैसे भरोगे, इस वेबसाइट पर जाके फिर नागरिक सेवाएं होगा उस पर क्लिक करके फिर आप अपना एप्लीकेशन पे लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन भर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई ऑनलाइन आवेदन भरने की बात। अब हम थोड़े से आपको जो आपकी फीस कटेगी वो क्रेडिट डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग वगैरह किसी से भी कटवा सकते हैं, जो कि फीस कितने रुपए थी बच्चों, 100 रुपया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और आगे हम देख लेते हैं जो जरूरी बात आपके लिए हो सकती है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन ही सिर्फ भरना है, ऑफलाइन वाला मान्य नहीं किया जाएगा। अब देखो एक जरूरी बात यहां पर आती है कि अगर कुछ आपको समस्या आ रही है, ठीक है, कोई आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो आप इन फोन नंबर पर 8:30 बजे सुबह से 8:30 बजे शाम तक के बीच में इन फोन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, ये आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ये फोन नंबर है भोपाल का, ठीक है, तो ये फोन नंबर हमने आपको बता दी। अब थोड़ा सा हम जो आपकी पोस्ट है उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भृत्य या आदेश तामिल करता है या पीयून कहें हम, तो इसमें जो वैकेंसी है आपकी पेमेंट इतनी रहने वाली है, ठीक है, और इसमें कक्षा 8वीं का पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से, केंद्रीय सरकार, ये सब चीजें
होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए, सब चीज़ें का मतलब ये है कि आप 8 पास होने चाहिए। फिर आगे देखेंगे हम। अब देखो पद देख लेते हैं, टोटल जो पद हैं अनारक्षित जो पद हैं जनरल वालों के लिए कितने हैं 29, ठीक है टोटल, और अनुसूचित जाति के लिए 9, अनुसूचित जनजाति के लिए 11, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8, योग 57, तो 57 हो गए भृत, जिसे प्यून भी कहते हो, ठीक है, तो इसके लिए 57 पद हैं। इसके बाद जो आपके थी तामिलकर्ता जिसे कहते हो, तो उसके 74 पद हैं, ठीक है, तो 74 पदों अनारक्षित के लिए 37 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 15, अन्य पिछड़ा वर्ग के 10, टोटल 74 पद हो गए तामिलकर्ताओं के लिए, ठीक है, ये भी ग्रुप डी की नौकरी है, ठीक है। अब अगर पहले से कोई राज्य विधिक सेवा में टेम्परेरी मतलब संविदा कोई काम रखा, कोई बंदे काम कर रहे हैं, कोई बच्चे काम कर रहे हैं, तो 20% डायरेक्ट सीटें उनकी भरी जानी है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश में इस आयोग के अंतर्गत काम कर रहे हो तो भाई जरूर भर दो, संविदा पे हो तो परमानेंट नौकरी आपकी मिल जाएगी, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, आयु की गणना की बात कर लें, न्यूनतम आपकी 18 वर्ष होना जरूरी है, और आयु की गणना 7/2, तो मोदी जी का वीडियो आया बाद में देखते हैं, 7/2 का मतलब 7 फरवरी 2019 से आपकी गणना करी जाएगी। उम्र सीमा की मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम की बात हम थोड़ी आपको बता दें। पुरुष आवेदक हैं जनरल वालों के लिए 40 साल, पुरुष आवेदक अगर आप संस्थाई मंडल निगम कर्मचारी मध्य प्रदेश के हैं अगर आप, तो आपको 5 साल की छूट, 45 साल पुरुष आवेदक, ठीक है, आरक्षित वर्ग के अगर आप तो 45 साल पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग साथी कर्मचारी कहीं है तो आपको 45 साल, महिला आवेदकों के लिए मतलब जनरल महिलाओं के लिए वैसे भी ज्यादा 45 साल इन्होंने कर दी, 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, महिला आवेदक आरक्षित वर्ग के लिए 45 साल, ठीक है, तो ये बात हो गई इसका, ठीक। अब ये बात इंपॉर्टेंट देख लो, आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों को दिया है, अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हो, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ कहीं से भर रहे हो, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा अब देखो, साक्षात्कार आपका होगा जिसे स्क्रीनिंग भी कह सकते हो, स्क्रीनिंग आपकी होगी कहाँ पर होगी देख लो, जबलपुर के 574 साउथ सिविल लाइन्स, ये एड्रेस है, जबलपुर के कार्यालय में आपकी, जबलपुर की कार्यालय में आपकी स्क्रीनिंग होगी, या आप जिसे आप साक्षात्कार कहना चाहें तो आपका साक्षात्कार भी यहीं होगा, और आपको उपस्थित यहीं पर होना पड़ेगा। डेट वगैरह आपको बताई जाएगी, आप वेबसाइट चेक करते ही रहेगा, अभी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि किस डेट में आपका साक्षात्कार कराएंगे, तो वहीं पर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे आपकी प्रमाण पत्र, सभी अभ्यर्थियों का अपने शैक्षणिक एवं आयु प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों के साथ पठनी छाया प्रति मतलब फोटो कॉपी वगैरह लेके, और मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ में आपको हाजिर होना पड़ेगा। ये मैंने जगह बता दी, डेट टाइम वेबसाइट वाले कुछ दिनों बाद बताएंगे। आगे देखते हैं हम, चयन के संबंध में क्या आपका चयन प्रक्रिया क्या रहेगी उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो दोनों जो दो पद थे, एक तो तामिलकर्ता थे हमारे, तामिलकर्ता, एक भृत्य करके थे जिसे प्यून करते हो, तो आप दोनों पोस्ट में जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे तो प्रेफरेंस आप दे देना, तामिलकर्ता को प्रेफरेंस दे देना, क्योंकि इसमें ज्यादा पोस्टें थी, इसमें 74 पोस्टें हैं और इसमें 57 पोस्टें प्यून में, तो इसे आप प्रेफरेंस दे देना, ठीक है, तामिलकर्ता में, तो आप दो एक ही फॉर्म में दोनों पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, तो ये मोस्टली हमने सारी जरूरती बातें कर ली हैं, और देखो शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य आपका होना चाहिए, महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध आपके पास ना हो, ठीक है, 2 से ज्यादा संतान है, ठीक है, तो आप नहीं इसमें कर सकते हो, ठीक है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, ठीक है, तो थोड़ी सी और चीज़ें हम देख लें, चयन प्रक्रिया ये बदल सकते हैं, अब ये कुछ भी कर सकते हैं, चयन प्रक्रिया वैकेंसी वगैरह ये लोग तो घटा ही सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। दिव्यांगों को आवेदन के लिए तारीख को दिव्यांग 40% देखिए, दिव्यांग अगर कर रहे हो, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप 40% से अधिक नहीं होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, आपको रिजर्वेशन के पात्र रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमने मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है, तो आपका जो स्कोर कार्ड रहेगा, साक्षात्कार जो आपका होगा, जो आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, उसमें आपका स्कोर एक नंबर दिए जाएंगे, और जो आपका स्कोर आएगा उसी के अनुसार एक मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी, ठीक है। तो बस लॉग इन करके आप देख सकते हो आपका कितना अंत, आपका कितने मार्क्स आए, आपके परिणाम क्या घोषित हुआ, आप वेबसाइट जो मैंने ऊपर बताई उसी वेबसाइट पर अपनी सारी जानकारी चेक कर सकते हो। तो अपने इस वीडियो में हम इतना ही रखना चाहेंगे, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति, और अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, खिचड़ी खाइए, सब लोग खाइए, वंदे मातरम।